बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जानेंगे सरकार गरीब नवाज के वालिद ग्रामी के बारे में। सुभानअल्लाह, सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद ग्रामी का नाम हज़रत सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु है। और हज़रत सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा के साथ एक नेकोकार जिंदगी गुजार रहे थे। आप बड़े इबादत गुजार और बड़े मुत्तकी किस्म के बुरगुजिदा बंदे थे अल्लाह रब्बुल इज्जत के। आपके पास एक वसी बगीचा था और पंचक्की थी, उसी से आप सारे काम करते थे और उसी से कारे खैर का काम भी करते थे। जो बगीचा आपको विरासत में मिला है हुजूर ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रजी अल्लाह ताला अनों को, उसी बगीचे के अंदर पंचक्की थी जो आपके पास थी घर के अंदर, और उसी से वो कारे खैर का काम भी किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप बहुत ही ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी और नेक आलिम हाफिज थे, और आप जिस बस्ती के अंदर रहते थे उस बस्ती के सारे बच्चों को और जवानों को और बुजुर्गों को सबको कुरान की तालीम और दीनियात सिखाते थे, अल्लाह ताला के दीन की तालीम दिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये चीज आपकी तरबियत में थी, ये सब बातें आपकी तरबियत में अल्लाह ताला ने कुदरत ही डाल रखी थी। और सबको अल्लाह ताला के करीब करना यह आपका सबसे बड़ा कार्य खैर का काम था। और हर वक्त हजरत सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में रहते। सुभान अल्लाह। और वालिदा माजिदा की हर बात के सामने सरे तस्लीम खम कर देना उनका मिजाज था। गरीब नवाज के वालिद ग्रामी की आदत मुबारका ऐसी थी कि वालिदा माजिदा के सामने हर बात के सामने अपने सर को सर तस्लीम कर दिया करते थे। इतना अदब और इतना एहतराम किया करते थे कि उनके सामने सर तस्लीम खम कर देना उनके मिजाज में था हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के। और एक दिन वालिदा माजिदा ने कहा, बेटे गयासुद्दीन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आराम की खातिर कितनी मेहनत करते हो, तुम जल्द से जल्द निकाह करो। आपकी वालदा ने हुक्म दिया कि निकाह करो। सुभान अल्लाह, क्योंकि जो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रजी अल्लाह अन्हु थे वो सिर्फ वालदा की खिदमत में रहा करते थे और दूसरी बात नहीं सोचा करते थे। तो आपकी वालदा की बात सुनकर तड़प उठे, आंसू जारी हुए आंखों से और कहने लगे, मैंने आज तक आपकी नाफरमानी का तसव्वुर तक नहीं किया। अल्लाहु अकबर। तो वालिदा माजिदा, आप मुख्तार हैं, आपकी खुशनुदी के लिए मैं शादी से इनकार नहीं करूंगा। तो जब आपकी वालिदा माजिदा ने ये कहा तो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर गरीब नवाज के वालिद ग्रामी ने कहा कि आप जिसमें राजी मैं उसमें राजी, वालिदा माजिदा जैसी आपकी मर्जी। तो वालिदा माजिदा ने अपने बेटे हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरे के बाद बुस्त के मौजिज खानदान में जो हसनी सादात थे उनसे रिश्ता तय करके आपका निकाह कर दिया। याद रहे कि वालिदा माजिदा ने जब हुजूर ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरे के बाद बुस्त एक जगह है, बुस्त के मौजिज खानदान में जो हसनी सादात थे उस घराने के अंदर हुजूर ख्वाजा गयासुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज के वालिद ग्रामी का निकाह कर दिया। हजरत सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो एहलिया हैं, जो आपकी बीबी साहिबा हैं, उनका नाम सरकार गरीब नवाज की जो वालिदा हैं, जो हुजूर गरीब नवाज की वालिदा माजिदा हैं, जो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एलिया हैं, उनका नाम है हजरत सैयदा बीबी माहिनूर। सुभान अल्लाह, उम्मुल वरा। आपका नाम है बीबी माहिनूर उम्मुल वरा। और आप हाफिज कुरान थी, बड़ी नेकोकार, बड़ी परहेजगार, इंतहाई आबिदा और जाहिदा खातून थी। सुभान अल्लाह, बहुत खुदा तर्स और सखावत पसंद थी। हुजूर गरीब नवाज की जो वालिदा माजिदा थी वो बहुत खुदा तर्स और सहावत पसंद थी। आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता था। आपकी कुन्नियत उम्मुल वरा और लकब खासुल मलिका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, याद रहे हुजूर ख्वाजे खाजगान के वालिद गरामी और वालदा माजिदा की चौखट पे जो भी जाया करता था तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया करते थे। क्यों? क्योंकि आपके वालिद और आपकी वालदा माजिदा दोनों
अल्लाह ताला के बड़े बरगुजिदा बंदे थे, खुदा तर्स और सखावत पसंद थे, जो भी होता था तकसीम कर दिया करते थे और कारे खैर के अंदर खर्च कर दिया करते थे और लोगों को दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की तालीम दिया करते थे और खिदमत खल्क में हमेशा हाजिर रहते थे। ये हुजूर गरीब नवाज का घराना है, ये वो घराना है आले नबी औलाद अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये मालूमत पहुंचे, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें और लाइक जरूर किया करें अच्छा लगे तो।